जैसे कि हमें बताया है कि आज इस ट्रेड फेयर में देश के साथ साथ विदेशों की भी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। मुझे लगता है पहले भी ट्रेड फेयर तो आयोजित हुए हैं, लेकिन विद इन द कंट्री के उद्यमी लोग ही अधिक इसमें सहभागिता निभाते थे, लेकिन आज आप लोगों ने देश से भी बाहर झांकने का प्रयास किया है और लोगों को आमंत्रण यहां करके अपनी चीजों को दिखाने का भी उनको मौका दिया है। ये कहीं ना कहीं राज्य में उद्योग को बढ़ाने के लिए एक बहुत बेहतर प्रयास है और हम चाहेंगे कि यह प्रयास मजबूती के साथ आगे बढ़े और इसमें सरकार की तरफ से जो सहयोग की आवश्यकता होगी निश्चित रूप से हम आपको आश्वस्त करते हैं कि सरकार आपको सहयोग करेगी। झारखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां आजादी के बाद से और आजादी के पहले से उद्यमियों की नजर रही है, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो बिरला हो, चाहे कोल कंपनी हो, चाहे अलग अलग तरीके के और भी उद्योग हो। आप सबको पता है कि उद्योग के जगत में क्रांति लाने वाला मदर इंडस्ट्री जो HSC है वो हमारे ही राज्य में अवस्थित है। आपको पता है देश का पहला फर्टिलाइजर फैक्ट्री अगर कहीं आके लगा वो तो झारखंड में ही लगा। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई और बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी हमने बनाई। आज उस पॉलिसी के तहत बड़े घराने भी छोटे घराने भी शामिल हुए। उसी पॉलिसी के तहत अभी हम लोगों ने टाटा में 2,500 करोड़ से अधिक का एक्सपेंशन का शिलान्यास भी किया था। तो कई ऐसे चीजें हैं जहां आज सरकार उद्योगों को आगे बढ़ावा देने के लिए सभी उद्योगों को लगभग 25% का सब्सिडी भी दे रही है और ये मेरा प्रयास है कि राज्य में MSME उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अगर आप लोग बेहतर MSME उद्योग के साथ आगे बढ़ने का आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कोई योजना है तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस सब्सिडी को 25% से भी आगे बढ़ा करके लगभग हम 35-40% तक ले जाने की प्रयास में। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।